दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो और मोटरोला G60 इन दोनों को ही मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ कर रखा है, तो दोनों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता चली हैं। कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको कुछ भी जानना हो तो कमेंट जरूर करना, अपने सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट का हम जरूर रिप्लाई करते हैं। चैनल कर देना सब्सक्राइब दोस्तों, कोई चार्ज नहीं लगता। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, दोनों फ़ोन में दोस्तों 1000 रुपये का डिफरेंस है। इन्फिनिक्स वाला कभी कभी 13000 का भी मिल जाता है, नॉर्मली 14000 रुपये का ये रहता है। डिस्प्ले आप देख सकते हो, बड़ी डिस्प्ले है मोटरोला G60 की और ये थोड़ा सा मोटा भी है मोटरोला G60। डिजाइन के मामले में इन्फिनिक्स वाला मेरे को बेटर लगता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है मोटरोला G60 के अंदर, देख सकते हो गूगल असिस्टेंट का, ये बटन इसके अंदर नहीं देखने को मिलता। वहीं स्पीकर की बात करें तो दोनों में ही नीचे स्पीकर है, लेकिन दोस्तों इन्फिनिक्स वाला स्पीकर बेटर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, ऊपर की तरफ से भी आवाज़ आती है और स्पीकर की क्वालिटी दोस्तों मेरे को इसकी ज़्यादा बेटर लगी है। एंड्रॉयड 12 दोनों ही फ़ोन में है और स्पीकर में थोड़ा सा डिग्रेड देखने को मिला है मोटरोला G60 में। यहाँ पे कैमरे की बात करें तो देख सकते हो ज़्यादा ऑन पेपर तो मोटरोला G60 अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का सेटअप है और इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का सेटअप है इन्फिनिक्स में। वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर आपको पीछे मोटरोला के लोगो पे और इसके पावर बटन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो पंच होल दिया गया है मोटरोला G60 में और इन्फिनिक्स के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है, जिस वजह से थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है लुक इन्फिनिक्स का फ्रंट की साइड से। लेकिन कैमरे की बात करें तो दोनों ही कैमरे काफ़ी अच्छे हैं। मोटरोला के अंदर 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें फ्रंट में फ्लैश भी है मोटरोला में, इन्फिनिक्स में फ्रंट में फ्लैश नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज़ बताऊँ तो वीडियो के अंदर आप 2K तक शूट कर सकते हो इन्फिनिक्स के अंदर और 4K वीडियो शूट कर सकते हो मोटरोला में। और भी बहुत सारे फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स इन्फिनिक्स के अंदर मिलते हैं और रियल फोटोज़ दोस्तों मोटरोला खींच के देता है। और बाकी बात करूँ तो मोटरोला के अंदर जो है स्टॉक एंड्रॉयड है, जिन लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है उन लोगों को यह फ़ोन पसंद आ सकता है, लेकिन मेरे को पर्सनली इन्फिनिक्स का ये UI काफ़ी अच्छा लगा है दोस्तों। इन्फिनिक्स का सॉफ्टवेयर मेरे को इसके सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बैटरी की बात करेंगे तो दोनों के अंदर दोस्तों एक में है 5000 mAh की बैटरी इन्फिनिक्स में और 6000 mAh की बैटरी है G60 के अंदर। जो G60 है दोस्तों वो 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इन्फिनिक्स वाला 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को। इन्फिनिक्स वाला जल्दी चार्ज हो जाता है दोस्तों फ़ोन। और बैटरी ड्रेन की बात करूँ तो दोस्तों ये जो मोटरोला G60 है इसके अंदर कम ड्रेन होता है। प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, स्नैपड्रैगन का 732G है जो कि कम NM पे बेस्ड है, तो बैटरी उतना ज़्यादा नहीं खाता और गेमिंग अच्छी खासी कर सकते हो आप इसके अंदर। मोटरोला G60 के लिए मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हो। इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो के अंदर भी आप गेमिंग कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर हीट होता है दोस्तों। 5000 mAh की बैटरी जरूर है इसके अंदर इन्फिनिक्स में, लेकिन बैटरी कम चलती है मोटरोला के कंपैरिजन में। हाँ, इतनी तो चलती है कि एक दिन चल जाता है दोनों फ़ोन के अंदर, लेकिन हीटिंग का इशू आता है MediaTek के प्रोसेसर की वजह से इन्फिनिक्स के फ़ोन में। आपको इन दोनों फ़ोन के बीच में दोस्तों और भी कुछ जानना हो तो कमेंट जरूर करना, मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको बता पाऊँगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे सब्सक्राइबर्स को कमेंट का हम जरूर रिप्लाई करते हैं। तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले किसी काम के टेक की वीडियो में।